जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली एक तो ज्वाइनिंग लेटर को लेकर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ में आपको बताऊंगा कि इस समय आपको जब ज्वाइनिंग समय जाना है, ज्वाइनिंग के टाइम पर जाना है, कौन कौन सा सामान लेके जाना है, क्योंकि कई लोगों को मैं एक बार इस पर वीडियो बना चुका हूँ लेकिन कईयों ने देखा नहीं है या कईयों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है और भी कुछ दो चार चीज़ें छूट गई है, वो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि फिर आप नुकसान उठा जाओगे उन चीज़ों का, चाहे पैसे से मान लो या किसी भी चीज़ से मान लो। तो आपको इस वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके संबंधित एक तो ज्वाइनिंग को लेके जो आपके डाउट्स है, एक जो क्या क्या सामान आपको ज्वाइनिंग के समय लेके जाना है वो टोटल वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वाइनिंग के लेके जो आपको डाउट हो उसके बारे में। ज़्यादातर जो बच्चों के मेरे को क्यों सुनाने हैं, जो CRPF में कई बच्चों का जैसे अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहे तो वो बार बार मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा, कब तक आएगा, मेरे गाँव के लड़के का आ गया या मेरे पास के पाँच लड़कों का आ गया, मेरा नहीं आया है, या कोई मैसेज कर रहा है कि वहाँ का आ गया है, उनका आ गया है, उस ग्रुप सेंटर का आ गया, मेरा नहीं आया, या जो रिमेडिकल वालों का क्या ज्वाइनिंग लेट होगी या ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रिमेडिकल वालों का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा, रिमेडिकल वालों का भी ज्वाइनिंग लेटर आ गया और उनका मेडिकल नहीं होगा ये भी लिखा हुआ आ गया ज्वाइनिंग लेटर में, ठीक है। वो भी मैंने ज्वाइनिंग लेटर देखा है, उनका मेडिकल नहीं होगा उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, उनका मेडिकल भी नहीं होगा क्योंकि उनका अक्टूबर में रिमेडिकल हुआ था तो उनका मेडिकल भी नहीं होगा, ठीक है, और उनके भी ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि रिमेडिकल वालों का ज्वाइनिंग लेटर लेट आ रहा है, ऐसा तो पहले फर्स्ट डाउट तो ये क्लियर। दूसरा जो मेन डाउट आपका कि आपके गांव के लड़कों का आ गया, आपके पास के चार लड़कों का आ गया, पांच लड़कों का आ गया, लेकिन आपका क्यों नहीं आ रहा, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि CRPF के कुछ GC ऐसी है यानी ग्रुप सेंटर कुछ ऐसे हैं जिनके अभी तक ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं हुए, ठीक है। बहुत सारी कोई आपने आपके पास में GC का आ रहे, सबसे पहले जब GC के आए थे तो गांधीनगर गुजरात के आए थे, ठीक है, उसके बाद में झारखंड के दो GC के आए थे, उसके बाद में मध्य प्रदेश भोपाल GC के आए थे, तो दिल्ली GC के, अभी झाड़ौदा GC के भी आ रहे हैं, गुड़गांव GC के भी आ रहे हैं, अजमेर GC के भी आ गए हैं, तो और भी इस प्रकार से कई ग्रुप सेंटर है CRPF के, ठीक है। तो उनमें से कई ग्रुप सेंटरों के अभी ज्वाइनिंग जो लेटर है वो इशू नहीं हुए, उनकी आपकी ज्वाइनिंग डेट आगे दे सकते हैं, तो इसके लिए आप चिंता ना करें। आगे का मतलब है 5-7 दिन बढ़ा देंगे, अगर 5-7 दिन बाद में ज्वाइनिंग देंगे। ज्वाइनिंग लेट देने का रीज़न जो मैंने पहले बताया कि ग्रुप सेंटर की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अब ज्वाइनिंग होगी, आपकी जो सीटें डिवाइड करती है SSGD से आने के बाद में वो सीटें डिवाइड कर देते हैं किनके बीच में, आपके ग्रुप सेंटरों के बीच में, कि आप इनकी ज्वाइनिंग कराइए, फिर वो अपनी सहूलियत के हिसाब से कि हाँ मुझे इतना जल्दी एडजस्ट जितने कर पाती हैं वो जगह उनको इस प्रकार से पूरा मेंटेनेंस, अभी कोरोना काल भी है तो आपके लिए पूरी व्यवस्था करके फिर वो ग्रुप सेंटर अपने हिसाब से ज्वाइनिंग लेटर इशू करेंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएंगे। जितने भी CRPF वाले मेरे दोस्त हैं उनका अभी तक नहीं आए हैं तो उनका आप ये मान के चलिए 5-7 दिन वेट कर लीजिए, फिर अगर किसी कारणवश अगर रुकेगा तो आपको मैं ज़रूर अपडेट दूंगा, उसके लिए आप चिंतित ना करें। लेकिन अभी मैं आपको मेरा एक ही कहना है, मैसेज में भी एक बात बोलता हूँ, 2-4 दिन वेट कर लीजिए, जिनको मैं ये बोला हूँ उनका 2-4 दिन में आ गया, तो आप भी अब 2-4 दिन वेट कर लीजिए, आपका आ जाएगा पक्का, ठीक है। अब किसी का छोटा मोटा एड्रेस आप चिंता ना करें, आपके पास आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस से कनेक्टिविटी बना के रखें। अब जो दूसरा अब हम बात करते हैं मेन कि ज्वाइनिंग सेंटर पर जाने से के समय, अब काफ़ी मेरे से इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर क्या क्या लेके जाएं, डॉक्यूमेंट्स आप सभी को पता चल गए, डॉक्यूमेंट्स में मेरे ख्याल से आप सबके पास में कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आप सभी को पता अच्छे से कि ये डॉक्यूमेंट्स उसमें लिखे हुए भी है, और आपको भी मैं इसके बारे में काफ़ी वीडियो बना चुका हूं, तो आपको पूरा क्लियर होगा मेरे ख्याल से, अगर नहीं है तो वीडियो जाके देख लीजिए आप, डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग मैंने पूरे वीडियो बना दिए हैं। अब अगर बात करें जो आपके पर्सनल सामान की, इसमें वीडियो में बात करना हूं स्पेशली जो आपके खुद के सामान के लिए जो आपके लिए आवश्यक रहेगा वो आपको ज्वाइनिंग सेंटर पर लेके जाना है या ट्रेनिंग सेंटर के लिए क्या क्या चीज़ें ले, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको बड़े बड़े पते हैं आपको ज्वाइनिंग, तो घर से जो आपको जो ज़रूरी सामान आपको जो लेके जाना है उसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स आप सभी को पहली बात ही पता है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके पास में होना चाहिए, उसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक चेकबुक ये सब आपके पास में होनी चाहिए, मूल निवास साथी प्रमाण पत्र, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके 10th क्लास की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, ये आपके पास में होने चाहिए दोस्तों। अब इसके बाद में हम बात करें कि आपको जो पर्सनल आपके लिए क्या सामान लेके जाना चाहिए, क्या क्या सामान आपके पास में होना चाहिए ताकि आपको ट्रेनिंग में भी आसानी रहेगी और ज्वाइनिंग सेंटर पर भी आसानी रहेगी। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, नीचे से शुरुआत करते हैं ऊपर की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपके पास में एक अच्छी सी स्लीपर ले लेना, मतलब चप्पल ले लेना, और उसके बाद में शूज़ ले लेना। अब शूज़ के बारे में काफ़ी क्यों सुनाता है कि सर कैसे शूज़ लें, देखो 90% चांस है कि वाइट शूज़ ही आपकी ट्रेनिंग में चलेंगे, जब आपकी रनिंग होगी उसमें वाइट शूज़ रहेंगे, तो वाइट शूज़ आप अच्छे ले सकते हो, यानी अच्छी कंपनी के वाइट शूज़ ले सकते हो रनिंग वाले। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि ब्राउन शूज़, आजकल वैसे तो बंद हो गया, पहले ब्राउन कलर का भी एक शूज़ चलता था, अभी वो बंद हो गया, वाइट शूज़ ही है, तो आप वाइट शूज़ परचेज़ कर सकते हो ताकि आपकी जब ग्रुप सेंटर में जब नॉर्मल रनिंग होती है उसमें आप वो शूज़ पहन सकते हो, तो वो आप वाइट शूज़ ले सकते हो, ठीक है, वाइट शूज़ ले सकते हो, वाइट शूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वाइट शूज़ ले सकते हो। उसके अलावा
स्लीपर ले सकते हो, अच्छी सी स्लीपर ले लीजिए, थोड़ी डिफरेंट लीजिए ताकि आपकी मिक्स ना हो, क्योंकि एक बार ग्रुप सेंटर में आपकी काफ़ी एक साथ ज्वाइनिंग होगी। उससे अगर थोड़ा सा ऊपर चलें तो लोवर या टी शर्ट, कम से कम दो लोवर ले लीजिए आप, ठीक है, और लोवर ले लीजिए, एक जो हाफ लोवर होता है वो भी ले लीजिए नाइट में, क्योंकि आपकी जहाँ पे पोस्टिंग उनके आपता वहाँ पे गर्मी हो ज़्यादा, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से ले लीजिए। और उसके अलावा और ऊपर आएँ तो टी शर्ट ले लीजिए, एक दो टी शर्ट ले लीजिए, या शर्ट एक पेंट शर्ट ज़रूर ले लीजिए, एक ले लीजिए, वो आपके हिसाब से सिविल ड्रेस एक या दो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ज़्यादा भी वेट नहीं करना, ठीक है, ज़्यादा वेट करोगे तो फिर आपको ही ढोना है, तो ज़्यादा वेट भी नहीं करना है। बाकी एक दो आप मतलब सिविल ड्रेस ले सकते हो, बाकी लोअर टी शर्ट पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि अच्छे से ज़्यादातर आपको वही काम में आएगा, ठीक है। तो ये सामान हो गए, अंडरगारमेंट्स आप अपने हिसाब से, आप सभी को पता है कि लेने ही है, आपके कोई दो पेयर ले लो, तीन पेयर ले लो, लेकिन तीन पेयर ले लेना, एक एक्स्ट्रा पेयर ले लेना, ताकि आपको कहीं इधर उधर हो जाए, ज़्यादा भीड़ भड़ाका रहता है तो एक बार के लिए, तो इधर उधर हो जाए तो आपके पास में एक पेयर एक्स्ट्रा होने से ठीक रहेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये सब सामान तो आपको लेना, इसके बाद में अगर लाइट बेडिंग, लाइट बेडिंग में जैसे पहले मैं बताया कि आपको जो जिस ग्रुप सेंटर में आप ज्वाइन कर रहे हो, ज्वाइनिंग सेंटर, आपको जो सामान मिलेगा उसमें एक से दो या तीन दिन का समय लग जाता है, तब तक पूरा सामान मिल जाता है, तीन से चार दिन में आपको पूरा सामान मिल जाता है। लेकिन तब तक के लिए आप यानी चटाई ले सकते हो, साथ में एक दरी और एक कंबल ले सकते हो। अभी प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर कहीं ठंड नहीं है, ठंड वाली जगह में आपकी ज्वाइनिंग नहीं है, तो मतलब एक हल्का सा कंबल ले सकते हो और चटाई ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप एक डिब्बा ले सकते हो खाना खाने के लिए, जब तक आपको प्लेट इशू नहीं होती, क्योंकि वही दो तीन दिन का समय प्लेट में लग जाता है। एक डिब्बा ले सकते हो, छोटा गिलास, जिसको चाय पीने वाले राजस्थान हरियाणा वाले जो चाय पीने वाले वो गिलास ले लेना छोटा। शेविंग किट, लड़के सभी शेविंग किट ले ले, ठीक है। शेविंग किट में दाढ़ी बनाने का पूरा सामान होना चाहिए, कैंची वैची मूछ ऊछ कट करने के लिए, अच्छे से बनाने के लिए, ठीक है। शेविंग किट पूरा सामान ले ले, शेविंग किट में ब्रश रेजर वेजर आपके जितना भी सामान है वो सभी शेविंग किट ले ले। इसके बाद में और आवश्यक जो सामान आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, जैसे आप वो फाइल डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल अवश्य लेना। इसके अलावा जो कैरी बैग आपका, अच्छा सा बैग ले लेना, ट्रॉली बैग ले सकते हो, ट्रॉली बैग अच्छा रहेगा आपके लिए। ट्रॉली बैग में ये रहेगा कि आपका सामान रखा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको, तो ट्रॉली बैग ज़्यादा लेना ये पीछे वाले हैंड बैग की बजाय, ताकि उसमें आप अच्छे से सामान को रख सको, आपकी सामान रखने की सुविधा अच्छी रहेगी उसमें, तो ट्रॉली बैग लेना। क्योंकि आप अगर ये बैग लोगे तो भी आपको पता है 700-800 रुपये के आसपास या 900 रुपये के आसपास ये बैग है। मैं ये नहीं बोला कि आपको 100% वही लो, लेकिन आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा वो बता रहा हूँ। और ट्रॉली बैग भी अगर आप लोगे, ज़्यादा आपको रेंज का लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप कोई बड़ी कंपनी का मतलब सिस्का का उसका सॉरी स्काई बैग का या उनमें से VIP का लो, नॉर्मल सा बैग ले सकते हो। ट्रॉली बैग आप मतलब आपको मिल जाएगा 1200-1300 रुपये में, नॉर्मल जो बैग है वो मिल जाएगा, तो वो ले सकते हो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, उसमें आप मतलब सामान वामान अपना अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा ये आपके मुख्य सामान हो गए। इनके अलावा डॉक्यूमेंट्स को आपको सभी को पता ही, डॉक्यूमेंट्स लेना है। और बाकी आप जो क्वेश्चन रहता है शूज़ से लेकर रहता है कि शूज़ हम कौन सा ले, तो शूज़ आप अच्छा ले लीजिए, रनिंग शूज़ लीजिए, कोई भी लीजिए, चाहे कोई सी भी नाइक कंपनी का लेते हो तो नाइकी का, एडिडास का, पूमा का, इनमें से कोई भी लेते हो, आजकल 1500-1600 रुपये में पूमा के शूज़ आ जाते हैं और अच्छे शूज़ आ जाते हैं, पूमा के भी आ जाते हैं, नाइकी वाइकी का भी अगर आपको अच्छा शूज़ मिलता है। लेकिन ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना शुरुआत में, अभी आपको हिसाब से अपने बजट के हिसाब से करना, लेकिन 1500-1600 रुपये का शूज़ आप वाइट कलर का लेना तो वो ठीक आपको कंफर्टेबल भी देगा और रनिंग शूज़ भी रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। एक तो इसको लेके टी शर्ट वी शर्ट आप है तो वाइट टी शर्ट आपको वहाँ मिलेगी, आप कलरफुल जैसे अभी मैंने पहन रखी ऐसी टी शर्ट ले सकते हो, या जो PT वाली जो टी शर्ट होती है आप सभी को पता है वो सिल्क वाली वो ले सकते हो, और लोअर टी शर्ट आपको लेना ही है इसमें क्या, अंडरगारमेंट्स के जो पेयर है एक दो एक्स्ट्रा ले लेना। बाकी अब जो क्वेश्चन रहता है कि सर क्या वहाँ पर कैंटीन सुविधाएँ रहेगी, क्या वहाँ पर हम सामान खरीदते, ग्रुप जितने भी ग्रुप सेंटरों में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है वहाँ पर सब सामान आपको मिल जाएगा, सब सामान खरीदने की आपको सहूलियत रहेगी, कोई भी सामान आप वहाँ से परचेज कर सकते हो, लोअर टी शर्ट वी शर्ट सब वहाँ मिलेगा टोटल सामान। हाँ, साबुन वाबुन कपड़े धोने का शैम्पू वैम्पू ये भी ले लेना एक बार के लिए, क्योंकि जाते हैं आपको कैंटीन का पता नहीं रहेगा, इन चीज़ों का पता नहीं रहेगा, लड़कों के तो बाल बिल्कुल चकाचक कर देंगे, शैम्पू साबुन की जरूरत रहेगी नहीं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें आप साथ में ले लेना ताकि आपको सहूलियत रहे, आपके लिए ये मैं चीज़ बता रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।